अरे जनाबे मन, महलीज की शादी हो गई है, वो तो मुंह छुपाती फिर रही है। एक्चुअली में माली जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। मैं कहता हूँ सर जी, मालीच के सर में जुए पड़ गई हैं, चलो भाग जाओ यहाँ से। मालीच बच्चा गिराने गई है। असल में महलीज पागल हो गई है। कहीं महलीज को जिहादी तो नहीं उठा के ले गए। लाहू उबे, हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग फिट पाट होंगे। वीडियो आगे देखने से पहले प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वो थम्स अप लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे यूट्यूब ये करेगा कि हमारे वीडियो को आगे शेयर करेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चंद ससुरे हैं भाई के, जिन लोगों को बड़ी फिक्र थी कि महलीज कहाँ है। तो अब आपको पता भी है कि अल्लाह मियाँ ने इतना बड़ा मुंह दिया है तो वो इस्तेमाल तो करना ही है, राइट? और ये चंद ऐसे भैंस की आंख है जिनकी शक्ल कहाँ होती है ये पता ही नहीं चलता है। दोनों तरफ से जहां से खोलते हैं वहां से बदबू आती है। मगर फिक्र नॉट, मैं हूं ना यहाँ पर आपको बताने के लिए कि महलीज कहाँ थी। तो महलीज कहाँ थी, जैसा कि आप लोग जानते हो कि महलीज को यूट्यूब पे बड़ा प्यार मिल रहा था, लोगों से लोग महलीज को बड़ा पसंद कर रहे थे। मगर बीच में कुछ जिहादी ऐसे आ जाते थे हमारे आशिक रसूल, जिन्होंने आके महलीज को बड़ी धमकियां दी। याद है ना आप लोगों को? जी आपकी बात कर रही हूँ। मगर जब यहाँ लोकल वेस्ट का कोई इस तरह से धमकी देता है ना, तो मछली हमारे जाल में आ जाती है। क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि ये हो चुका है तो मुझको पता है कि इस चीज़ को कैसे डील किया जाए। तो मैंने ऑब्वियसली अपना फ़ोन उठाया और अपने डीएसपी फ्रेंड को फ़ोन लगा के मैंने बोला, मैंने देखिए मुझको फिर से ये तंग कर रहे हैं जिहादी। अब उन कोई इलीगल काम तो करता नहीं है, यू नो, अब उनका हर काम जो है हाई फाई शाई लीगल हो रहा है। तो उन जिहादियों का जो है फिर पता निकलवाया गया और उन जिहादियों का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कराया गया। क्योंकि महलीज हर चंद महीने बाद फोन उठा के फोन कर रही होती है कि भैया अब मुझे इसने धमकी दे दी, तो अब मुझे को इसने धमकी दे दी, ला। तो लोगों ने मुझसे कहा कि माता जी आप जो है लगता है बड़ी हाई फाई प्रोफाइल चीज जिनको इतनी धमकियां आती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, आपकी सिक्योरिटी जो है हमको अभी खतरे में लग रही है। तो मैंने कहा जी जी जी, जो भी आप करना चाहें। तो महलीज की जो है थोड़ी बहुत सिक्योरिटी विक्योरिटी के लिए इंतजाम हो रहे थे। उसके साथ साथ अब जो हमारा सोशल मीडिया है उस पर भी आंख रखी जाएगी। अब ये पता नहीं अच्छी चीज हुई है गलत चीज हुई है, मगर अच्छी चीज सही है। क्योंकि अब कोई भी आके जो थ्रेट करेगा ना, अब कोई भी धमकी आएगी ना सिवाय पाकिस्तान और इंडिया को छोड़ के, अगर वेस्ट में होंगे तो वो लोग पकड़े जाएंगे। तो इसी वजह से महलीज जो थी वो थोड़े अरसे के लिए आया थी, क्योंकि इन चीजों में ना टाइम लगता है। और उसके अलावा महलीज के ऊपर साइबर अटैक भी हो रहा था, तो इसी वजह से महलीज को चंद लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करना था। अगर हम सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात करें तो अभी रिसेंटली एक साहब ऑस्ट्रेलियन जो पाकिस्तान पहुंच गए थे, उनके साथ सीवी पे क्या हुआ ये जरा देख लीजिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट होने की ये सबसे बेहतरीन मिसाल है। कितने रुपए है? 200 200 एंड जंप। ओह यू आर सो डर्टी। कितना? 300 300 नहीं 300 ना नहीं वाला नहीं 3000 होगा चेंज 3000 नहीं होते 3000 क्या 3000 3000 नहीं ओह मैं अंग्रेज का थोड़ा का बेटा है उसका रोम दिया ब्याज के बाद मैं अगर मैं को लोग के साथ बदतमीजी नहीं करूँ उसको इज्जत करो इकराम करूँगा माफी मांगूंगा उससे माफी मांगूंगा अंदर ये काम नहीं करूँगा। जैसा कि आपने देखा इसी तरह से मेरे को भी चंद लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना था, वो हो गया है।
वहां पर पुतिन जो है दूसरी कंट्रीज पे अटैक कर रहा था, और यहाँ पर महलीज के फेसबुक पर तो यूट्यूब पर तो हर जगह हैकिंग हो रही थी। मेरा फेसबुक का पेज, मारो फेसबुक का पेज, 1 मिलियन फॉलोअर्स, 1 मिलियन फॉलोअर्स, किसी चूतिया जो पाकिस्तान में बैठा था उसने हैक की है मेरी फेसबुक, तेरी फायदा। लोगों ने कहा महलीज तुम गालियां बहुत देती हो, तुम गालियां बहुत देती हो, तो इसी वजह से मैंने ये सोचा है कि अब गालियां तो मैं दूंगी, क्योंकि भाई उससे मेरी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, गालियां मैं दूंगी मगर आपको सुनाऊंगी नहीं, उसमें मैं बीप डाल दूंगी, इस तरह से मेरी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाएगी और आपको गालियां भी सुनाई देंगी। ये ना इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। तो मैं तब तक वापस नहीं आना चाह रही थी जब तक मुझको ये तसल्ली ना हो जाए कि ये जो भाई उन्होंने मेरे साथ ये हरकत की उनकी जी भुट्टो जी, थैंक यू, आपने मेरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया जी, थैंक यू जी वे भुट्टो। सो एनीवेज गाइस, मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर ना आपको जरा थोड़ी अपडेट कर दूं कि हो क्या रहा है महलीज की लाइफ में, वरना ये टटपुंजे से जो भाई के लोग हैं ना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। महलीज क्या कर रही है ये तो कोई जानता ही नहीं है, महलीज के दिल में क्या है ये भी कोई पहचानता ही नहीं है, और अगर आप पहचानना चाहते हैं कि मेरे दिल में क्या है तो यहाँ पर लाइक का बटन है उसको ज़रूर दबाना है आपने, लाइक के बटन को, ओके, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा ही लो यार, जब बटन ही दबा रहे हो तो वो भी दबा लो, और अगर वो भी दबा लिया है तो फिर वो नोटिफिकेशन का बटन पड़ा है ना उसको भी ऑन कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत अच्छा अच्छा और नया नया कॉन्टेंट अब आएगा, तो मेक श्योर कि यू डोंट मिस इट। चले आज के लिए इतना ही काफी है, मैं हाजिर होती हूँ दूसरी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।